हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। वी आर डूइंग नाउ लेसन टू, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है कुछ रिएक्शंस करी थी, एसिड और बेस की डेफिनेशंस करी हुई थी। इस लेक्चर में हम करेंगे कि व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ओके, एक रीकैप लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि एसिड्स जो होते हैं वो शॉर्ट इन द टेस्ट होते हैं, बेसिस जो होते हैं बिटर इन द टेस्ट होते हैं, एंड सेकेंडली एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एज सच हमने कुछ थोड़ी बातें पढ़ी थी और फिर उसकी कुछ रिएक्शंस करी थी। होप सो आपने वो सारा कुछ कर लिया होगा। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो एसिड होता है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। स्टूडेंट्स, कोई भी जो एसिड होता है जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है, जो एसिड होता है वो बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है और जो बेस होता है वो एसिड के इफ़ेक्ट को क्या करता है, ख़त्म करता है, और वहाँ पे आपका क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वट डू यू मीन बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स कि वन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल। तो वट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ये रिएक्शन का मैंने सिंबल ऐसे लिखा है, आप कंप्लीट लिखो यहाँ पे। द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए बेस विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल का मतलब अभी ना वहाँ पे एसिडिक का इफेक्ट रह गया, ना ही वहाँ पे कोई बेसिक कैरेक्टर था, सब कुछ जो था वो क्या हो गया, आपका बिल्कुल फिनिश। मतलब कि ना वो अब यहाँ से जो आपका सोल्यूशन बनेगा एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद, अगर आप उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालोगे या रेड लिटमस पेपर डालते हो तो वो कोई भी तरीके का कलर चेंज नहीं शो करेगा। मतलब वो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, ना वहाँ पे एसिडिक इफेक्ट है ना ही वहाँ पे बेसिक इफेक्ट है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल एक एग्जांपल लेके करते से मैंने आपको एसिड में HCl, व्हाट इज द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एंड व्हाट विल बी फॉर्म, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म। सो दिस इज द एसिड एंड दिस वन इज द बेस, दिस इज़ द सॉल्ट एंड दिस वन इज़ द वाटर। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये कॉमन सॉल्ट जो आप नमक बोलते हो, और ये वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। एक्चुअल में अगर कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये चीज़ें हमने एक्वस फॉर्म में लेनी है। अगर रिएक्शन को हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी एक्वस फॉर्म में आएगा और ये लिक्विड में। एक्वस का मतलब क्या है बेटा, कि HCl, NaOH और NaCl का वाटर में सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का वाटर में जो सोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन। होप सो आप सभी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छे समझ में आ गई होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इज द वेस्ट स्टोन कंप्लीटली टोटली ऑन एक्सपेरिमेंट, नॉट ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सो इस केस में क्या होता है कि हम अगर रिएक्शन करवाते हैं, सपोज करो मैंने कोई मेटालिक ऑक्साइड ले लिया, कोई भी क्या लिया मैंने, मेटालिक ऑक्साइड। व्हाट डू मीन बाय द मेटालिक ऑक्साइड? मेटालिक ऑक्साइड मींस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। मेटल्स आपने जो है
पढ़े हुए हैं, पहले 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, उसके बाद 9th में भी आपको मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स के बारे में बताया गया है। तो उसमें मेटल सपोज करो आपका मेटल का ऑक्साइड यानी कि सोडियम का ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, या ऐसे बहुत सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के उनको हम क्या बोलते हैं, मेटैलिक ऑक्साइड। मेटल नॉन मेटल का चैप्टर आप करोगे तो हमने क्या लिया, जब ये मेटल ऑक्साइड लिया, मेटल का ऑक्साइड लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, एक एसिड के साथ करवाई, तो हमें जो है इन रिस्पॉन्स क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटैलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करवाया तो क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर। अब ये जो प्रोडक्ट है सॉल्ट और वाटर वो किसका प्रोडक्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ये वाला आपने क्या लिया, एसिड लिया और ये क्या मिल गया, सॉल्ट एंड वाटर। इट मीन्स यहाँ पे जो मेटैलिक ऑक्साइड है, जो मेटैलिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर है, बेसिक इन द नेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या लिया यहाँ पे, सोडियम का ऑक्साइड लिया। मुझे पता है कि आपको ये फॉर्मूला तो बनाना आता है क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर जो सबसे पहला 10th क्लास का लेक्चर लिया बताया है आपको, उसमें मैंने सबसे पहले बेसिक से डिस्कस किया हुआ है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप वो वीडियो वहाँ से देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला आपका कैसे बनता है। और मैंने क्या किया, इसको रिएक्ट करवा दिया एसिड के साथ। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज़ द सोडियम क्लोराइड एंड वाटर अगेन एज इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रोडक्ट इज द सेम बट द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस देयर। सो टू बैलेंस द रिएक्शन टू एड इट हेयर एंड टू एड इट हेयर, नाउ योर रिएक्शन इज द बैलेंस। तो मेटैलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर किसका प्रोडक्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इट मीन्स क्या है कि जो यहाँ पे एसिड है वो तो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, ये जो मेटल का ऑक्साइड है वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए बेस। सो बाय यूजिंग दिस रिएक्शन यू कैन से दैट मेटैलिक ऑक्साइड इज बेसिक इन द नेचर, मेटैलिक ऑक्साइड इज द बेसिक इन द नेचर। अगर आप मेटैलिक ऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो किसी बेस के साथ करवाते हो तो आगे कोई भी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होती है। तो इट मीन्स जो है मेटैलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन द नेचर। सो मेटैलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटैलिक ऑक्साइड विद बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटैलिक ऑक्साइड विद बेस। ये रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसे है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया, नॉन मेटैलिक ऑक्साइड लिया। स्टूडेंट्स यू नो व्हाट इज़ द नॉन मेटल, कार्बन इज़ ए नॉन मेटल एंड कार्बन का ऑक्साइड नॉन मेटैलिक ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड इज़ ए नॉन मेटैलिक ऑक्साइड। तो ये सब आपके क्या है, नॉन मेटैलिक ऑक्साइड है। इन केस अगर आप क्या लेते हो, नॉन मेटैलिक ऑक्साइड, वी हैव टेकन नॉन मेटैलिक ऑक्साइड एंड इसका रिएक्शन मैंने क्या किसके साथ करवाया, बेस के साथ करवाया, तो अगेन माय प्रोडक्ट इज सॉल्ट प्लस वाटर, माय प्रोडक्ट इज सॉल्ट प्लस वाटर। इट मींस क्या है कि अगर ये बेस है और ये जो प्रोडक्ट है वो किसके सिमिलर है, सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इट मींस क्या है कि नॉन मेटैलिक ऑक्साइड एक्ट एज एसिड एंड इट इज एसिडिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि सेम प्रोडक्ट आ रहा है वो भी बेस के साथ। तो अगर ये बेस है वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डैट मीन्स नॉन मेटैलिक ऑक्साइड इज एक्ट एज द बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है इसमें एक रिएक्शन लेना चाहो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉन मेटैलिक ऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, लेट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया एंड मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। जब यहाँ पे आप इसके साथ रिएक्शन करवाओगे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आपको कुछ भी अंदाज़ा है कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो योर प्रोडक्ट इज़ द सी ए सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर।
सॉल्ट और वाटर, ये वही रिएक्शन है जिसमें आप क्या करते हो कि ये आपका जो होता है जो लाइम वाटर होता है और उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या आता है, मिल्किनेस आता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि आइडेंटिफिकेशन फीचर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास करते हो तो वहाँ पे मिल्किनेस आता है। और वो मिल्किनेस क्यों आता है, क्योंकि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो सॉल्ट यहाँ पे बनता है वो वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल, एंड दैट्स वाई दे गिव वाइट प्रेसिपिटेट विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर एंड अपीयर एट मिल्क इन कलर। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सो दैट दिस वन इज द बेस, सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एक्ट एज एसिड बिकॉज दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमने जो टॉपिक किया उससे हमें क्या चीज़ पता चला, उससे एक तो हमें पता चला कि जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं आपके कैसे होते हैं, एक तो हमने मेटेलिक ऑक्साइड की बात की, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन द नेचर। एंड सेकेंडली वी हैव नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड दीज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दीज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो वी कैन कंक्लूडेड अबव रिएक्शंस, मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। इसमें अगर जो है कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे को पूछना। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर जो है आप एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो और उसमें लिखा हुआ एक एक वर्ड बहुत अच्छे से करते हो तो 100 out of 100 आपके कोई भी नहीं रोक सकता बेटा। इट्स वेरी यूजफुल बुक फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव ए कॉमन, कि आपका जो जितने भी एसिड होते हैं उनमें जो है कॉमन क्या होता है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन, कि सभी जो आपके एसिड बेस होते हैं उसमें कॉमन क्या है। मैं यहाँ पे आपको कुछ एसिड लिखूंगी और कुछ बेसिस लिखूंगी, तो इस तरफ मैंने क्या ले लिया, एसिड ले लिया और यहाँ मैं क्या ले लूँगी, बेस। तो मैंने एसिड लिखना स्टार्ट किया HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर आपको लिखा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड मोर एसिड्स इन एयर। मैं दोबारा से लिख के दिखाऊँगी आपको, मैंने एसिड एसिड में मैंने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस वन एसिटिक एसिड एंड नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड एंड सो ऑन, कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बेसिस की बात करती हूँ तो मेरे पास बेस कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एल्कलीज जिनको बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अगेन अभी हमने करा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हेयर बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नोन एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड यूज्ड एज ए एंट एसिड, एंट एसिड मतलब एसिड के अगेंस्ट यूज किया जाता है एक मेडिसिन में एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। तो ये आपके जो हैं वो क्या हैं, एसिड और बेसिस हैं। अब आप इसमें देख सकते हो इनमें कॉमन क्या है, तो आप अगर एसिड में बात करो देखो सभी में ये क्या है, H जो है वो क्या है, कॉमन है। अब जब एसिड रिएक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, लेट सपोज जो है अगर मैं किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती हूँ, जैसे मैंने कि कहा कि HCl लिया, अगर HCl ब्रेक करेगा तो वो क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन, या अगर मैंने क्या लिया H2SO4 लिया देन इट विल गिव 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। लाइक अगर मैंने HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड लिया, इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैंने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड H पॉजिटिव प्लस CH3 COO नेगेटिव। तो आप ये देख रहे हो कि जितने भी आपके एसिड हैं उनके पास क्या है, जो ये H पॉजिटिव आयन है वो H पॉजिटिव आयन जो है, पॉजिटिव आयन इनके पास क्या है, कॉमन है।
इसको आपको एनसीईआरटी की बुक से जब करोगे तो वहाँ पे आपको एक एग्जांपल मिलेगा, एक एग्जांपल ये मिलेगा कि हमें वहाँ पे एक सोल्यूशन मिलता है, सोल्यूशन किसका किसका मिलता है, ग्लूकोज का और अल्कोहल का एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, कि अगर हमने एक सोल्यूशन लिया किसका लिया, ग्लूकोज का लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का लिया और किसका लिया, अल्कोहल का लिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा आप ध्यान रखोगे, वैसे आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और अल्कोहल का जो ग्रुप होता है वो OH होता है, आगे कुछ भी लग सकता है इसके आगे, वो आप हायर क्लासेस में नहीं तो इसी क्लास में अभी फोर्थ चैप्टर में करने वाले हो इन सबका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इनमें क्या होता है कि हम जब इन्हीं सॉल्यूशंस में से वन बाई वन इलेक्ट्रिसिटी पास करने की बात करते हैं, तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो HCl में से भी पास होती है और H2SO4 में से भी पास होती है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी एंड सल्फ्यूरिक एसिड में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। जब आप पूरा सर्किट कंप्लीट करोगे तो सिर्फ HCl और H2SO4 के केस में जो बल्ब होगा वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब जो बल्ब है उसका ग्लो करना क्या शो करता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर रही है। तो इन केसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो H पॉजिटिव आयन के थ्रू होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, कटायन, क्योंकि किसी भी चीज़ पर जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज़ नोन एज द कटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज़ नोन एज द अनायन। तो ये जो H पॉजिटिव आयन होता है कि जब इसको आप ऐसे जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस, इसको आप एक्वस फॉर्म में लिखते हो, इनके फ्लो की वजह से वहाँ पे करंट फ्लो करता है और यही H पॉजिटिव आयन जो होते हैं एसिडिक करेक्टर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि यू कैन से द H पॉजिटिव आयन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। सिमिलरली इन केस ऑफ बेस, आप देख रहे हो बेस में फॉर्मूला क्या है, NaOH, KOH, CaOH, MgOH का ट्वाइस इस तरह से है, तो अगर ये ब्रेक करेगा ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, KOH ब्रेक करेगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, कैल्शियम ब्रेक करेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हो बेटा कि जितने भी आपके बेसिस हैं उसमें क्या है, ये OH नेगेटिव आयन जो है वो कॉमन है, तो ये आप कह सकते हो कि कॉमन इन ऑल एसिड्स, सभी एसिड्स में आपका कॉमन क्या है, दैट इज द H पॉजिटिव आयन, एंड कॉमन इन ऑल बेसिस दैट इज द OH नेगेटिव आयन जो होता है वो सभी बेसिस में क्या होता है, जो है आपका प्रेजेंट होता है वो OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे आपकी एक डेफिनेशन भी बनती है कि अगर आपको कहा कि एसिड क्या होता है, विच गिव H पॉजिटिव आयन इज नोन एज द एसिड, और अगर आपको बोला गया कि बेस क्या होता है तो विच गिव OH नेगेटिव आयन, एंड लास्टली यहाँ पे आप ऐड करोगे इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब वाटर के सॉल्यूशन के अंदर, एक्वा का मतलब बेटा क्या होता है, वाटर, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो होता है, वाटर के सॉल्यूशन के अंदर जो होते हैं ये OH नेगेटिव आयन अगर देते हैं तो वो बेस हैं, एंड अगर H पॉजिटिव आयन देते हैं तो वो आपके क्या हैं, एसिड्स हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपेंड टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस, मैं कम्प्लीटली जो मेरा पैटर्न है वो एनसीईआरटी के बिहाफ पे है, सो आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इन्हें वाटर सॉल्यूशन कि एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन के अंदर क्या कुछ होता है, इसका क्या मतलब है कि क्या जो एसिड है वो सिर्फ आयंस प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज़ के लिए अगर मैं आपको एक यहाँ पे एसिड लिखूँ, सपोज़ करो मैंने क्या लिया, HCl लिया और मैंने यहाँ पे जो है वाटर लिया, तो ये क्या बनता है एक्चुअली बेटा, जो मैं H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आया, मैं आपको यहाँ सिंपल H पॉजिटिव नहीं लिख रही थी, मैं एक्वस लिख रही थी। एक्वस का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव के साथ साथ H2O भी होगा, तो ये क्या बना लेंगे, H3O पॉजिटिव, एंड दिस आयन इज नोन एज द
हाइड्रोनियम आयन, दिस आयन इज नोन एज द हाइड्रोनियम आयन। तो जब तक ये हाइड्रोनियम आयन नहीं बनता है तब तक जो एसिड होता है वो अपना जो है एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर सकता, मीन्स दैट हाइड्रोजन एच पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट, कांट एग्जिस्ट अलोन, दिस हाइड्रोजन कांट एग्जिस्ट अलोन, इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज द हाइड्रोनियम आयन। वाटर के साथ कंबाइन करके ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, इस वजह से ये क्या होता है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कोई भी जो एसिड है उसको अपना एसिडिक करेक्टर शो करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वहाँ पे वाटर नहीं होगा वो जो है अपना जो है एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे ड्राई HCl गैस लिया और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया, क्या लिया, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया। बेटे यहाँ पे नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, क्योंकि वाटर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एसिड्स शो इट्स एसिडिक करेक्टर, एसिड शो इस एसिडिक करेक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि ये जो H पॉजिटिव है वो अलोन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो जब भी देता है वो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। अगर वहाँ पे वाटर नहीं होगा तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी, एंड सिमिलरली जो है जो आपका एसिड है वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो आपका बेस होता है वो अपना बेसिक करेक्टर तब तक नहीं शो करता जब तक वहाँ पे क्या ना हो, वाटर ना हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो एसिड या फिर जो आप बेस हैं वो अपना एसिडिक या बेसिक करेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में शो करते हैं। तो यहाँ से आपको, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन ड्राई HCl गैस इज पास टू द ड्राई लिटमस पेपर। सो यू कैन से नो चेंज इन द कलर ऑब्जर्व बिकॉज एसिड डज नॉट शो इट्स एसिडिक करेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्योंकि किसी भी चीज़ को अपना एसिडिक और बेसिक करेक्टर शो करने के लिए वहाँ पे जो वाटर है उसकी जो नीड है, वाटर वहाँ पे जरूर होना चाहिए, तभी वो अपना एसिडिक और बेसिक करेक्टर जो है आपका शो करेगा, अदरवाइज वो एसिडिक और बेसिक करेक्टर शो नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रही हूँ बेस, यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया बेस, एंड सेकेंडली मैंने एक टर्म और भी यूज़ किया था, दैट इज़ द एल्कली। सो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेसिस एंड एल्कली, या बोथ आर सेम। तो यू कैन से वाटर सल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कली। मतलब बेस तो बहुत सारे हैं लेकिन उन बेसिस में से ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हैं, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बेस इज नोन एज द एसिड। यानी कि आप कह सकते हो ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस इज नॉट एल्कली। क्योंकि कुछ ही बेस हैं जो वाटर में सोल्यूबल हैं, इसलिए उन्हीं बेसिस को हम क्या कहते हैं, आपके एल्कली कहते हैं। जो वाटर सोल्यूबल बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये जो आपके एल्कलीज हैं या बेसिस होते हैं, या आपका टच इनका कैसा होता है, सॉपी टच होता है, जैसे साबुन होता है उसको टच करते हो तो आप ये स्लिप करता है, ऐसा स्लिपरी इनका सॉपी टच यहाँ पे होता है। बिटर इनका टेस्ट होते हैं, कोरोजिव होते हैं बेटा, कि अगर आप इनको थोड़ी देर हाथ में लेकर रखो तो आपको थोड़ी सी जलन होने लग जाती है। आपको कभी भी किसी भी केमिकल को जो है वो टच नहीं करना है। इसमें जैसे आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सारे जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, तो दे आर नोन एज द एल्कली। अभी आप इसको आगे पढ़ोगे 5th chapter में, तो वहाँ पे आपको ग्रुप वगैरह के बारे में जो है आपको वो पता चलेगा। तो अगर आपको एसिड को, बेस को OH नेगेटिव आयन या होता है, तो आप उसमें जो है देख सकते हो कि किस तरह से जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो वाटर की फॉर्मेशन जो होती है वो किस बिहाव पे यहाँ पे आपकी होती है। अब
इसमें एक टॉपिक आता है, वैसे तो ये बुक में सेपरेट करके नहीं दिया हुआ है, डाइल्यूशन। क्या टॉपिक आता है? डाइल्यूशन। बट ये सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, वन इज़ द डाइल्यूट सोल्यूशन एंड अदर इज़ द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। वन इज़ द डाइल्यूट सोल्यूशन एंड अदर इज़ द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब ये चीज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होता है। वैसे तो आपने सोल्यूशन पढ़ा हुआ है नाइन्थ क्लास में, बहुत अच्छे से किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कॉम्पोनेंट। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्मली। और आपको पता है कि सोल्यूशन के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा क्या होता है आपका सॉल्वेंट। सपोज करो मैंने एक सोल्यूशन बनाया सॉल्ट प्लस वाटर का, तो जो मेरा सॉल्ट होगा जिसको मैंने डिसॉल्व किया है, जिसको मैंने लेस अमाउंट में लिया है, वो सोल्यूट होगा, और जो वाटर होगा वो मेरा क्या होगा यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। तो अगर किसी सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन इज़ नोन एज द डाइल्यूट सोल्यूशन। और अगर वही सॉल्वेंट जो आपका सोल्यूट होता है वो मोर अमाउंट में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। यानी कि डाइल्यूट वाले के अंदर जो होता है वो लेस सोल्यूट होता है और कंसनट्रेटेड वाले के अंदर आपका जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन होती है वो क्या होती है, आपकी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हम लैब में एसिड हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं, आपका जो है वो कंसनट्रेटेड होते हैं। जिस टाइम आप कोई भी एसिड लेते हो या फिर क्या लेते हो, बेस लेते हो, और उसको क्या करते हो, वाटर में आप डिसॉल्व करते हो। वाटर में जब डिसॉल्व करते हो तो ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द डाइल्यूशन। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द डाइल्यूट। आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, और ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस हाईली क्या होती है, एक्सोथर्मिक। दिस प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सो, एग्जिट, बाहर निकलना। थर्मस का मतलब क्या होता है, हीट। यानी कि द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन विच रिलीज हीट। तो जब आप एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करते हो, यानी कि कंसनट्रेटेड जो सोल्यूशन है एसिड या बेस का उसको वाटर में मिक्स करके क्या बनाते हो, डाइल्यूट करते हो, तो वहाँ पे हीट बाहर निकलती है एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब जब भी आप कभी एसिड या बेस को डाइल्यूट करोगे तो आपने ध्यान रखना है, आपने क्या करना है बेटा, कभी भी जो है एसिड के अंदर वाटर नहीं ऐड करना है। डू नॉट ऐड वाटर इन एसिड। करना क्या है, ड्यूरिंग जो है डाइल्यूशन ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर। यानी कि जब भी इसको डाइल्यूट करोगे तो डाइल्यूट करने में मैंने एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या फिल कर लेना है, वाटर फिल कर लेना है। क्या फिल कर लेना है, वाटर। फिर मैं एक ग्लास रोड रखूँगी। अगर मैं ग्लास रोड नहीं रखूँगी तो ये मेरा एक ग्लास रोड है, अगर मैं ग्लास रोड नहीं रखूँगी तो मैं वॉल के यहाँ से मैं ड्रॉप बाई ड्रॉप जो है वो एसिड जो है उसमें ऐड करूँगी और वो एसिड आके वाटर में आपका मिक्स होगा। ऐसा इसलिए करते हैं बेटा कि अगर मान लो आपने यहाँ पे एसिड ले लिया और अब वाटर ऐड करोगे तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक होगी, और वो चीज़ जो होगा एसिड वो बम्प करके स्प्लैश करके आपके ऊपर आ जाएगा जब हीट जनरेट होगी। तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड डालते हैं। यहाँ से जो हम डाल रहे हैं वो हम क्या डाल रहे हैं, एसिड डालते हैं। ये हमारा सही मेथड है। कभी भी हमने ऐसे नहीं करना कि हमने बीकर ले लिया और बीकर के अंदर मैंने एसिड डाल दिया और मैं रॉड रख के यहाँ से क्या डाल रही हूँ, वाटर ऐड कर रही हूँ। दिस वन इज़ द रॉन्ग, दिस वन इज़ द करेक्ट मेथड। उसके बाद हमने क्या करना, स्टेरिंग करना। स्टेरिंग का मतलब उसको मिक्स कर देना अच्छे से। तो वो जो आपका एसिड अब बनेगा यहाँ पे, वो जो एसिड या बेस आपका बनेगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब वहाँ पे उसकी जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो गई है, आपकी कम हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो है आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं एसिड या बेस के, वो पर यूनिट वॉल्यूम जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे पास दो एसिड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या होता है, वीक एसिड। ऐसे ही आपके पास एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंडली क्या होगा,
वीक बेस। तो बेटा डाइल्यूशन के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, वीक एसिड हमेशा वीक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप इसको डाइल्यूट कर दोगे तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक हो जाएगा, नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग एसिड आफ्टर, इवन आफ्टर डाइल्यूशन, ओके। सिर्फ क्या होता है कि जो एसिड और बेस की कंसंट्रेशन होती है वो क्या कर जाती है, पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डाइल्यूट कर जाती, मतलब डिक्रीज कर जाती है। तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है आपकी, डाइल्यूशन। तो वो डाइल्यूशन क्या होती है कि व्हेन वी ऐड या मिक्स, ऐड भी ना करो आप, यहाँ पे क्या कर लो, मिक्स कर लो, वी मिक्स एसिड और बेस विद वाटर। अगर आप एसिड और बेस को किसके साथ, वाटर के साथ क्या करते हो, मिक्स होते हो, द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइदर ओ एच नेगेटिव आयन डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि जिस टाइम आप किसी भी एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हो तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन की, वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। एंड जो आपका सोल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। इसमें उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, एंड वीक एसिड ले रहे हो तो हमेशा क्या रहेगा, वीक ही रहेगा। सिर्फ कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ओके। इसे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर्स जो है बहुत ध्यान से करना, स्कोरिंग है ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाला है। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन्स भी आप क्लिक करो, बिकॉज नोटिफिकेशन तभी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सो बाय बाय।